Good morning, all of you. Today we have is exercise of our chapter that birds around us. Chapter 8 that we have birds around us. We have completed the chapter. So now we are going to discuss about exercise of this chapter. Okay, practices of this chapter. So first question we have, flesh eating birds have. जो flesh eating birds है उनकी beak कैसी होती है? Flesh eating birds means ऐसे animal जो other animals को क्या करते हैं, मारते हैं और उनको खा जाते हैं. So strong and hooked beaks. तो इस टाइप के जो भी animals हैं, कौन से एनिमल हो गए, उनकी जो बीक होती है वो कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग एंड हुक बीक्स. नेक्स्ट वी हैव इज पेंगुइन्स मेक देयर नेस्ट विद. पेंगुइन्स जो है वो अपने नेस्ट किससे बनाती है? फियदर्स, ओके, स्टोन्स एंड पेबल्स. ओके, लैंड पे ही वो अपना क्या बना लेती है? नेस्ट बना लेती है विद द हेल्प ऑफ स्टोन्स एंड पेबल्स. पेबल्स की हेल्प से वो क्या करती है? अपना नेस्ट बना लेती है. नेक्स्ट वी हैव इज दिस इज ए पर्चिंग बर्ड. जो आप यहाँ पे देख रहे हो वो आपका क्या है? पर्चिंग बर्ड है. इनमें से कौन सा पर्चिंग बर्ड आपको ये बताना. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज सॉरी, तो पर्चिंग बर्ड कौन सा हो गया? स्पैरो. पर्चिंग बर्ड का मीन क्या हो गया? इट मीन्स वो बर्ड जो ट्रीज की जो ब्रांचेस हैं उनको होल्ड करके रखता है, उनपे ही स्लीप करता है और उनपे ही ये आराम से बैठता है. सो दिस इज स्पैरो. नेक्स्ट वी हैव इज दिस बर्ड हैज वेब्ड फीट. कौन सा बर्ड है जिसके फीट वेब्ड होते हैं? सो डक इज, डक हैज वेब्ड फीट. नेक्स्ट वी हैव इज राइट ट्रू एंड फॉल्स. सो बर्ड्स हैव टीथ टू ईट फूड. बर्ड्स जो हैं उनमें क्या होते हैं? टीथ होते हैं टू ईट फूड, फूड को ईट करने के लिए. सो दिस इज फॉल्स बिकॉज एज वी नो दैट बर्ड्स हैव नो टीथ. नेक्स्ट वी हैव इज फ्लैश ईटिंग बर्ड्स हैव टैलेंट्स. जो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होते हैं उनमें टैलेंट्स होते हैं. सो दिस इज ट्रू. नेक्स्ट वी हैव इज वुड पिकर मेक्स इट नेस्ट इन ट्री ट्रंक. जो वुड पिकर है वो अपना नेस्ट किसमें बनाता है? ट्री ट्रंक. दिस इज ऑल्सो ट्रू. नेक्स्ट वी हैव डाउन फीदर्स गिव शेप टू ए बर्ड्स बॉडी. जो डाउन फीदर्स हैं वो क्या करते हैं? बर्ड्स की बॉडी को शेप देते हैं. सो दिस इज फॉल्स. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज हैन इज ए स्क्रैचिंग बर्ड. हैन जो है वो क्या है? एक स्क्रैचिंग बर्ड है. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू बिकॉज एज आई टोल्ड यू अपने स्क्रैचिंग बर्ड क्यों है ये? क्योंकि ये लैंड को स्क्रैच करता है और उसमें से इंसेक्ट वगैरह जो भी इसको मिलते हैं वो निकाल के फिर उनको खा जाता है. ओके, सो आंसर दीज क्वेश्चंस. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ बीक डू शीड ईटिंग बर्ड्स हैव. जो शीड ईटिंग बर्ड्स हैं उनमें किस टाइप की बीक होती है? ओके, नाउ as you can see here lead sorry this is sheet. sheet eating birds have short strong and pointed beak. This is sheet. So sheet eating birds have short strong and pointed beak. jo sheet eating bird hai unki beak kaisi hoti hai? short strong and pointing. Okay, then next we have is, next question is why does a duck have webbed feet? Duck jo hai usme webbed feet kyon hote? Okay, now a duck has webbed feet help the duck to swim in water. उनमें webbed feet होते हैं because webbed feet क्या करते हैं? वो water में swim करने में help करते हैं. Next question is
नेक्स्ट वी हैव राइट द नेम्स ऑफ द थ्री काइंड्स ऑफ फीदर्स. थ्री काइंड्स ऑफ फीदर जिसके बारे में अपने स्टडी किया था उनका आपको नेम बताना है. सो द नेम्स ऑफ थ्री फीदर्स आर डाउन फीदर्स. ओके फर्स्ट वी हैव डाउन फीदर्स, नेक्स्ट वी हैव बॉडी फीदर्स, देन फ्लाइट फीदर्स. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फीदर्स. नेक्स्ट वी हैव हाउ डज ए वीवर बर्ड मेक इट्स नेस्ट. जो वीवर बर्ड है वो अपना नेस्ट कैसे बनाता है. एज यू कैन सी हियर ए वीवर बर्ड वेव इट्स नेस्ट. दिस इज ए वीवर बर्ड वेव्स. दिस इज वेव. Webs its nest by wearing pieces of leaves, grass or twigs. Leaves, grass or twigs को वीव करते हुए वो क्या करते हैं, जो वीवर बर्ड्स है वो अपना नेस्ट बना लेते हैं. ओके नाउ नेक्स्ट वी हैव इज मिस द बर्ड्स विद देयर क्लॉज. यहाँ पे कुछ बर्ड्स आपको दिए हुए उनके क्लॉज के साथ में आपको उनको मैच करना है. सो दिस वन हैव एज यू कैन सी हियर एंड पैरट जो है उसका इस टाइप का जो होता है. नेक्स्ट डॉग. ओके इसमें वेब्ड फीट होते हैं. दिस टाइप ऑफ बर्ड. एंड नाउ पिजियन हैव दिस टाइप ऑफ बर्ड. ओके सो नेक्स्ट वी हैव इज व्हाई डू पेंगुइन मेक देयर नेस्ट विद पेबल्स. पेबल्स अपना नेस्ट जो है वो क्यों बनाते हैं, बिकॉज उसके आसपास उसे यही मिलता है तो इससे अपना नेस्ट वो बना लेते हैं. नेक्स्ट एक्टिविटी एज यू कैन सी हियर कलर द बर्ड एंड लेबल इट्स बॉडी पार्ट्स. आपको इस बर्ड को कलर करना है और इसके जो भी बॉडी पार्ट्स हैं उनको आपको बताने से. नेक्स्ट वी हैव इज कलेक्ट द फीदर्स ऑफ बर्ड लाइंग ऑन द ग्राउंड. ग्राउंड पे आपको जो गिरे हुए होते हैं वो बर्ड्स आपको वो फीदर्स आपको कलेक्ट करना है. ऑब्जर्व दिस शेप साइज एंड कलर. और उनकी शेप साइज और कलर जो है वो आपको ऑब्जर्व करनी है और उनमें डिफरेंस जो है वो आपको देखनी. ओके सो आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड एंड इनफ फॉर टुडे. थैंक यू.